Hello everyone, welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Again we are continuing our playlist and this is the playlist for thermodynamics. Our last video is for sign convention for thermodynamics और उसके प्रीवियस वाला क्लास जो हमारा हुआ था, प्रीवियस वाला वीडियो जो बना था वो इंट्रोडक्शन ऑन थर्मोडायनामिक्स, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्लेलिस्ट हम लोग बना रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक के हम लोग चलते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क डन, है ना, हीट और वर्क डन में क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग देखें अच्छे से तो हीट और वर्क डन के दोनों फंक्शन सेम ही है। इट मींस दैट हीट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड वर्क डन इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वर्क डन भी आपका मोड है एनर्जी ट्रांसफर का, हीट भी आपका मोड है एनर्जी ट्रांसफर का, ठीक है। बट इन दोनों में अंतर है, अब क्या अंतर है, वही डिफरेंस है उसका, है ना। अब जब हीट जब एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ये मोड है एनर्जी ट्रांसफर का, तो जब हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है तब उसमें ये तभी एनर्जी को ट्रांसफर करता है जब दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर दो बॉडी अगर मेरे पास में है, अगर मैं कोई भी दो बॉडीज अगर मैं कंसिडर करूँ, ये एक बॉडी है ये दूसरी बॉडी है, अगर ये मान के चलिए कि 80 डिग्री सेल्सियस पे है और ये मान के चलिए कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक। तो होगा क्या कि अगर हम लोग हीट की बात करेंगे तो हीट यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है, मतलब ये हीट को रिलीज करेगा, है ना, और ये हीट को एब्सॉर्ब करेगा। सो दिस इज ये जो 80 डिग्री सेल्सियस है हीट, दैट इज हीट रिलीज, है ना, ये हीट को रिलीज करेगा, है ना, और ये हीट को एब्सॉर्ब करेगा, ठीक। हीट रिलीज एंड दिस इज हीट एब्सॉर्ब, तो ये हीट और रिलीज और हीट एब्सॉर्ब जो करेगा, दिस इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस बॉडी, ठीक है। तो यहां से ये टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है। सो हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है वो जो हीट एनर्जी एक्सचेंज होती है उसको हम लोग कहते हैं हीट, ठीक है। और हीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हीट में कोई भी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, देयर इज नो मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व इन इट, ये हीट में कोई भी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो उस चीज को कहते हैं हीट, क्लियर। हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एंड देयर इज नो मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व इन इट ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक। बट वर्क डन क्या चीज होती है, वर्क डन वो चीज होती है कि जैसे वर्क डन की अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन भी एनर्जी ट्रांसफर करता है। जैसे आप लोग अगर कोई टेबल को खींच रहे होंगे, है ना, या आप कोई चेयर को खींच रहे होंगे, तो यू आर ऑल्सो अप्लाइंग द फोर्स, मतलब वहां एनर्जी आप वहां पर भी ट्रांसफर कर रहे हैं, बट दैट ट्रांसफर, दिस इज एनर्जी ट्रांसफर, दिस एनर्जी ट्रांसफर इज नॉट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण नहीं होता। हीट में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है बट वर्क डन में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण नहीं होता। तो जैसे हम लोग वर्डन की बात करते हैं तो वर्डन इज ऑल्सो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस, इट इन्वॉल्व मैकेनिकल वर्क, है ना। ये क्या इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व करता है मैकेनिकल वर्क, ठीक है। इट मीन्स दैट कि जिस समय आप कोई बॉडी को अगर खींच रहे होंगे या पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, है ना, वेदर इट इज यू आर पुलिंग द बॉडी या पुशिंग द बॉडी, यू आर ऑल्सो ट्रांसफरिंग द हीट, सॉरी यू आर ट्रांसफरिंग द एनर्जी, बट दैट एनर्जी इन्वॉल्विंग मैकेनिकल वर्क एंड दिस हीट डज नॉट इन्वॉल्विंग मैकेनिकल वर्क, क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क डन, ये डिफरेंस होता है हीट एंड वर्क डन के बीच में, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक सिस्टम ये भी समझ के चलते हैं कि मान के चलो कि हमारे पास में एक कंटेनर है, है ना, ये कंटेनर है, सो दिस कंटेनर इज फिल्ड विद दिस गैस एंड इट इज पैक्ड विद दिस पिस्टन, एक पिस्टन से अगर हम लोग इसको पैक कर दे, तो जब ये गैस मॉलिक्यूल्स, सो दिस ऑल द गैस मॉलिक्यूल रिसीविंग द हीट, तो अगर हम लोग यहां से मान के चलो कि यहां से हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, है ना, सो दैट इज क्यू, क्यू इज अ हीट सप्लाइड, तो हम लोग यहां से ही क्यू इज अ हीट सप्लाइड, तो ये जो हीट है आपकी, ये हीट एब्सॉर्ब करने के बाद में जो ये गैस मॉलिक्यूल्स है जब ये हीट को एब्सॉर्ब करेंगे, तो एब्सॉर्ब करने के बाद में यहां
इसकी गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन से भागना स्टार्ट कर देंगे. सो इट ऑल दिस गैस मॉलिक्यूल इज परफॉर्मिंग रैंडम मोशन. ये सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन से भागना चालू करेंगे, और जैसे ही रैंडम मोशन पे भागना चालू करेंगे तो वो देयर इज अ कॉन्स्टेंटली कोलिजन ऑन वन ऑन ईच अदर. यहाँ पे एक के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल टकराएगा, दूसरा का तीसरा. इट मींस दैट इट जनरेट द प्रेशर इनसाइड द वॉल ऑफ द कंटेनर, है ना. ये कंटेनर के इनर वॉल के ऊपर इसका प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और प्रेशर जनरेट होने के कारण ये पिस्टन के जो इनर वाला सरफेस होगा, इस इनर वाले सरफेस के ऊपर भी आपका प्रेशर जनरेट हो जाएगा. उस प्रेशर की वजह से ये पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन से भागेगा, ठीक. तो ये सारी चीजें होगी इसमें, ठीक है. तो ये तो हो गया, जैसे आपने हीट इसमें सप्लाई कर दी तब सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना. लेकिन कि जैसे ही आप ये पिस्टन को, अगर आप मान के चलो कि यहां से आपने हीट को हटा दिया, अब आप यहां से हीट को हटा देते हैं, जैसे आप हीट को हटा देंगे तो ये आप इसको प्रेस करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे, और जिस समय आप इसको कॉम्प्रेस करेंगे, ठीक है, तो फिर से यहाँ प्रेशर ज्यादा जनरेट हो जाएगा, और जैसे प्रेशर ज्यादा जनरेट होने के कारण इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण अगेन इट मूव्स इन द रैंडम डायरेक्शन. सो कोई भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी, है ना, यहाँ भी इसका टेम्परेचर बढ़ा ना, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो गया, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, या अदरवाइज इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन. इंटरनल एनर्जी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होता है. तो जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, जैसे हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे थे कि अगर मैं इसको कॉम्प्रेस करता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ से पिस्टन को नीचे के डायरेक्शन से फोर्स लगाता हूँ, नीचे के डायरेक्शन से फोर्स लगाने के कारण क्या होगा कि यहाँ के जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस मॉलिक्यूल में प्रेशर जनरेट हो जाएगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण अगेन दिस गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन. It means that it's very simple meaning of this one. So internal energy, जो हम लोग du से denote करते हैं, तो internal energy is internal is denoted by du. तो internal energy कोई भी system की change करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है. एक आप heat supply करके उसकी internal energy को change कर सकते हो, और दूसरी चीज आप उसके compression और expansion perform करके आप उसकी internal energy को change कर सकते हैं, ठीक. यही इसी का मतलब ये हो गया. सो इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज बाय टू वेज. फर्स्ट टू सप्लाइंग द अमाउंट ऑफ हीट, क्लियर, हीट सप्लाई कर दो तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, और दूसरी चीज वर्क डन, मतलब आप यहाँ वर्क डन परफॉर्म करिए कि जैसे आप इसी पिस्टन को नीचे की तरफ लाएंगे या ऊपर की तरफ लाएंगे तो इंटरनल एनर्जी इसकी चेंज हो जाएगी, क्लियर. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क डन, ओके, क्लियर. उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक हम लोग ने छोटा सा यहाँ लिया हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट और टॉपिक फॉर दैट इज इंटरनल एनर्जी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और बाकी सारे के सारे कंसेप्ट आते आपके प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे. थैंक यू टू वॉचिंग अवर चैनल. थैंक यू सो मच.